और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं, कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दे रहे हैं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए सुनवाते हैं। वनगमन पथ इसका ट्रस्ट का अप्रूवल दे दिया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और उसके सेक्रेटरी होंगे जो चीफ सेक्रेटरी साहब। इसके मेंबर्स जो होंगे पदेन मेंबर्स, क्योंकि अध्ययन विभाग है तो अध्ययन विभाग के रूप में मैं उसका सदस्य हूँ। उसके अलावा जो संस्कृति मंत्री हैं वो और पर्यटन मंत्री और इन्हीं के जितने जो पीएस और एसीएस है वो रहेंगे पर्यटन। इसके अलावा उसमें चार एमएलए या सांसद और अशासकीय सदस्य आठ इसके मेंबर होंगे। और ये चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक ये राम वनगमन पथ बनेगा, जिसका सर्वे का काम दोनों एंड से शुरू होने के आदेश भी देंगे। इसके पहले मतलब मुख्यमंत्री जी गवर्नर जी इसकी मीटिंग मिली थी और इसी तारतम में यहाँ से जो चलेगा राम वनगमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक, और उस वे की बैठक में ये तो अभी ट्रस्ट बना है लेकिन सीता माता का मंदिर वहां बनेगा श्रीलंका में, जहाँ सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर माता का उसके लिए 5 करोड़ रुपए बजट में है पहले से ही, बाकी जो आवश्यकता होगी वो पूरी होगी। जैसा मैंने बताया था पहले भी, जब हम लोग श्रीलंका गए थे वहां के राष्ट्रपति और उनसे बातचीत हुई थी और उसी तारतम में ये पूरा पूरा, क्योंकि राम वनगमन पथ कंप्लीट अगर होता है तो यहाँ से अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी वापिस अयोध्या आई थी। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ये भी है कि भगवान बुद्ध के लिए पूरा म्यूजियम वहां बनेगा श्रीलंका और दूसरी जो बहुत कंट्रीज उनसे बात होगी उसी रेफरेंस में। केवल मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पहले बात हुई थी और पहले जो श्रीलंका यात्रा में तय हुआ है वहाँ के बहुत गुरुजनों से, एक म्यूजियम बनेगा वहाँ पर सांची में और डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। इन सब की प्रक्रिया चल रही, पर ये राम वनगमन पथ वहाँ जब पूरा होता है साधु संतों की सब राय रहेगी। साधु संत सब बन गए हैं ना उसमें पहले ही मठ मंदिर और नर्मदा ट्रस्ट के अंदर। इसके अलावा एक स्कूल शिक्षा विभाग में श्री एस बी रोटे सेवानिवृत्त हैं संचालक, उनको भी संविदा नियुक्ति दी गई है। और एक भिंड में कीर्ति स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीर्ति स्तंभ था पुराना, उसकी जमीन का आवंटन होना था राजस्व विभाग से, बल्कि नगरी कल्याण से होना था। इस भूमि को 1 रुपए शुल्क पर दे दी गई है। ये करीब 2.5 एकड़ के करीब जमीन है जहां पहले से एक महावीर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, 1 रुपए में उसको दे दी गई है। और ये कीर्ति स्तंभ महावीर कीर्ति स्तंभ करके एक समिति है वहां पे, संस्था है, उसको दे दी गई है 2.5 एकड़, 9,797 वर्ग मीटर में लगभग 2.5 एकड़ करीब होगा जी। चलिए धन्यवाद। नहीं देखिए ऐसा है, पूरा कैबिनेट आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ है और इसलिए इस्तीफे या कोई बात नहीं, सभी एकजुट मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ हैं, उनके पूरे निर्देशों पे काम कर रहे हैं और करते रहे। सभी थे मंत्रियों को कुछ किराए की जिम्मेदारी दी हो या कोई चीज पर आज की बात नहीं।
नहीं सुबह सकता हरदीप सिंह डंग विधायक जी का जो इस्तीफे की बात हो रही है मीडिया में आ रहा है कि वो उनके दस्तखत नहीं है वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके निवास पे वो कह रहे हैं कि नहीं दिया ये सब चीजें और इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि ये समस्या है ये प्रॉब्लम है तो जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे समस्याएं हल देखिए एक चीज मान के चलिए मैं बार बार उन्होंने ये कहा है कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी कितनी ही तोड़फोड़ करे लेकिन जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो पिछली बार कमलनाथ जी की नीतियों का समर्थन में दो विपक्षी विधायक आए थे अब ये संख्या बढ़ेगी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं ना किसी मेरे साथ जो जो हो रहा है पूरे प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के में मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर भी अपनी बात रखी और उनका साफ कहना है कि बीजेपी चाहे जितनी भी तोड़फोड़ की कोशिश कर ले लेकिन यदि फ्लोर टेस्ट हुआ तो और भी कई विपक्ष के विधायक जो हैं उनके साथ आ जाएंगे तो ये दावा किया है जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पीसी शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों की आज जानकारी दी।